नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आज उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो जो कमेंट थी उनको लेकर एक जनता सर्वे तैयार किए हैं, जिसके हिसाब से आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज ही विधानसभा चुनाव होते तो किसके बनने जा रही है सरकार। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर SP BJP और BSP कांग्रेस चारों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि SP BSP और कांग्रेस के बीच कड़े तनाव चल रहे हैं और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जबकि दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें पिछली बार SP का कांग्रेस के साथ गठबंधन था जो कि अच्छा खासा चला नहीं था। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस की और SP सरकार की काफी अच्छी दोस्ती थी, पर दोस्तों इस बार वो दोस्ती भी टूट चुकी है और गठबंधन भी टूट चुका है। पर दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अखिलेश यादव ने BSP सरकार के साथ भी तानाशाही कर दी है और यहाँ पर SP का BSP के साथ भी गठबंधन रह चुका है जो कि इतना खास तो नहीं चला था। पर दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खासी दोस्ती बनी थी। पर दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों ने जो कि एक ही थी पहले SP BSP, पर दोस्तों अब उनके बीच तनाव हो चुके हैं और दोनों अलग हो चुकी हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अब कांग्रेस और BSP जैसी पार्टियों के खिलाफ हो चुकी है SP सरकार की। दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने दोनों पार्टियों से खिंचाव तनाव मोल ले लिए हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर BJP से क्या अब अखिलेश यादव अकेले ही जीत पाएंगे? क्या दोस्तों, यहाँ पर BSP या कांग्रेस में से कोई एक पार्टी आगे निकल कर आएगी? पर दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि SP सरकार ने कहा है कि वो अब छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे ताकि उनको जीत मिल सके और बड़े मुद्दे से जीत सके। पर दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा है कि यहाँ पर जब भी उन्होंने बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है उनको हार ही मिली है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पर दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अब हम छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे और इस बार अपनी सरकार को पक्का बनाएंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बड़ी पार्टियों को वोट नहीं मिलते हैं और उनको सीटें भी ज्यादा देनी पड़ती है। पर दोस्तों, यहाँ पर छोटी पार्टियों को ज्यादा वोट मिलते हैं और सीटें भी कम देनी पड़ती है, तो इसी के माध्यम से वो अपनी सरकार भी बना सकते हैं। वही दोस्तों, यहाँ पर BJP के बारे में देखा जाए तो BJP योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि वो इस बार अपनी पूर्ण बार सरकार बनाकर जो यूपी का रिकॉर्ड है कि एक बार में कोई सरकार दूसरी बार लगातार अपनी सरकार नहीं बना सकती, तो उसे तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और अखिलेश यादव की जो रणनीतियां हैं उनको भी खारिज करेंगे। क्या दोस्तों, यूपी की जनता को BJP पाएगी या नहीं? पर दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव और BJP, BSP और कांग्रेस चारों पार्टियां मौजूद हैं और जनता सर्वे के मुताबिक किसकी बनने जा रही है सरकार। वही दोस्तों, जान लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के बारे में। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। ऐसे में दोस्तों, आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं यूपी के अंदर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। और आप कौन से राज्य, शहर और जिले से रहने वाले हैं ये भी मैं कमेंट करके बता दीजिएगा, हमें बता चलेगा कौन कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। मैं दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं, पहले जिले से शुरू करते हैं यूपी के। तो फुरकाबाद की 4 सीटों के बारे में बात की, 4 में से यहाँ पर SP को 1 सीट मिल रही तो BJP को 2 सीटें मिल रही है। वही BSP को 1 मिल रही तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल रही, तो अदर खाते में 0। एक साथ हमीरपुर की 2 सीटों के बारे में बात की, 2 में से यहाँ पर SP सरकार को 1 सीट मिल रही तो यहाँ पर BJP को भी 1 सीट मिल रही है, जबकि यहाँ पर BSP और कांग्रेस को 0 सीट मिल रही, अदर खाते में 0। पर दोस्तों, यहाँ पर आजमगढ़ की 10 सीटों में से यहाँ पर SP सरकार को 2 सीटें मिल रही जबकि यहाँ पर BJP को 8 सीटों का पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तो वही BSP को 0 तो कांग्रेस को 0 तो अदर खाते में 0 सीट। वही दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की 16 सीटों में से यहाँ पर SP सरकार को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर BJP को 11 सीटें, तो BSP को 1 तो कांग्रेस को 0 तो अदर खाते में 0। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो मुरादाबाद की 6 सीटों में से यहाँ पर SP को 1 सीट मिल रही तो BJP को 2 सीटें मिल रही, तो BSP को 2, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों, फतेहपुर की 6 सीटों में से यहाँ पर SP सरकार को 2 सीटें मिल रही, यहाँ पर BJP को 1 सीट मिल रही, तो BSP को 2 तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, गाजियापुर की 7 सीटों में से यहाँ पर SP को 2 सीटें मिल रही तो वही BJP को 3 सीटें मिल रही, तो वही BSP को 0 तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही तो अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 35 सीटों में से यहाँ पर SP सरकार को 9 सीटें मिल रही तो BJP को 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, तो वही BSP को 5 तो कांग्रेस को 3 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो मणिपुर की 4 सीटों में से यहाँ पर SP सरकार को 2 सीटें मिल रही, यहाँ पर BJP को भी 2 मिल रही है, तो वही BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 0 तो अदर खाते में 0 सीट। वही दोस्तों, हम अलीगढ़ की 7 सीटों के बारे में बात कर ले, 7 में से यहाँ पर SP सरकार को 3 सीटें मिल रही जबकि यहाँ पर BJP को भी 3 सीटें बराबर मिल रही है, तो वही BSP को 1 मिल रही तो कांग्रेस को 0 तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों, हम मिर्जापुर की 5 सीटों के बारे में बात कर ले, 5 में से यहाँ पर SP सरकार को 3 सीटें मिल रही जबकि यहाँ पर BJP को 2 सीटें मिल रही है, तो वही BSP को 0 तो कांग्रेस को 0 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की 54 सीटों के बारे में बात कर ले, 54 में से यहाँ पर SP सरकार को 18 सीटें मिल रही जबकि यहाँ पर BJP को 25 सीटें मिल रही है, तो वही BSP को 6 तो कांग्रेस को यहाँ पर 4 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात कर ले तो बुलंदशहर की 7 सीटों में से यहाँ पर SP सरकार को 5 सीटें मिल रही जबकि यहाँ पर BJP को 1 ही सीट मिल रही है, तो वही BSP को 1 मिल रही है, यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों, यहाँ पर मथुरा की 5 सीटों के बारे में बात कर ले, 5 में से यहाँ पर SP सरकार को 5 की 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है जबकि यहाँ BJP को 0 तो BSP को 0 तो कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम देवरिया की 7 सीटों में यहाँ पर SP सरकार को 4 सीटें मिल रही तो BJP को 3, BSP को 0 तो कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0। वही दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की 75 सीटों के बारे में बात कर ले, यहाँ पर SP सरकार को 35
सीटें मिली थी बीजेपी को 29, बीएसपी को 7, तो कांग्रेस को 4 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो शाहजहांपुर की 6 सीटों में से एसपी सरकार को 2 सीटें मिली, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, बीएसपी को 1 मिली, तो कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों हम आगरा की 9 सीटों के बारे में बात कर ले, 9 में से एसपी सरकार को 5 सीटें मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो बीएसपी और कांग्रेस और अदर खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बुद्धायू की 6 सीटों के बारे में बात कर ले, 6 में से एसपी सरकार को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो वहीं बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की 103 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 46 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 41 सीटें मिल रही है, तो वहीं बीएसपी को 10 सीटें, तो कांग्रेस को 5, तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो अंबेडकर नगर की 5 सीटों के बारे में बात करें, 5 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 3 सीटें मिल रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम मेरठ की 7 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 5 सीटें मिल रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 1, तो बीएसपी को भी 1, तो वहीं कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम उन्नाव की 6 सीटों के बारे में बात करें, 6 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 2 सीटें मिल रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 3, तो बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट। जबकि दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 136 सीटों के बारे में बात करें, 136 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 60 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 52, तो बीएसपी को 14, तो कांग्रेस को 10 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो लखीमपुर की 8 सीटों में से यहाँ पर एसपी को 5, तो बीजेपी को 2, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर हरदोई की 8 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 5 सीटें मिल रही, बीजेपी को 3, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम अयोध्या की 5 सीटों के बारे में बात करें, 5 की 5 सीटें एसपी सरकार खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की 169 सीटों के बारे में बात कर ले, यहाँ पर एसपी सरकार को 85, तो बीजेपी को 58, बीएसपी को 15, तो कांग्रेस को 10, तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो बेरचाई की 7 सीटों में से यहाँ पर एसपी को 5 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो बीएसपी को 0, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है और अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम बरेली की 9 सीटों के बारे में बात कर ले, 9 में से यहाँ पर एसपी को 4 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, तो बीएसपी को 2 सीटें, तो वही कांग्रेस को 1 सीट, तो अदर खाते में 0। इसी के साथ हम बलरामपुर की 4 सीटों में से 4 में से एसपी सरकार को 3 मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 1, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश की 193 सीटों में से यहाँ पर एसपी को 100 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 63 और बीएसपी को 17, तो कांग्रेस को 12 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो मऊ की 4 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 2 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 1, वहीं बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0। इसी के साथ हम सीतापुर की 9 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 8 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 1, तो वहीं बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसी के साथ हम सुल्तानपुर की 5 सीटों के बारे में बात कर ले, 5 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 1 सीट मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, तो वहीं बीएसपी और कांग्रेस और अदर खाते में 0। इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश की 211 सीटों के बारे में बात कर ले, यहाँ पर एसपी सरकार को 111 सीटें मिल रही, तो बीजेपी को 69, वहीं बीएसपी को 17, तो कांग्रेस को 13, तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो सहारनपुर की हम 7 सीटों के बारे में बात कर ले, यहाँ पर एसपी सरकार को 4 सीटें मिली, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 3, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसी के साथ हम जौनपुर की 9 सीटों के बारे में बात कर ले तो 9 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 5 सीटें मिली, तो बीजेपी को 3, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0। इसी के साथ हम झांसी की 4 सीटों के बारे में बात कर ले, 4 की 4 सीटें एसपी सरकार खाते में जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की 231 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर एसपी सरकार को 124 सीटें मिली, तो बीजेपी को 75, बीएसपी को 17, तो कांग्रेस को 14 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम इसके साथ अगले जिले के बारे में बात कर ले तो महाराजगंज की 5 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 3 सीटें मिली, तो बीजेपी को 2, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसी के साथ हम इटावा की 3 सीटों के बारे में बात करें, 3 में से यहाँ पर 3 की 3 सीटें एसपी सरकार खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम बिजनौर की 8 सीटों के बारे में बात करें, 8 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 5 सीटें मिली, तो यहाँ पर बाकी पार्टी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अदर खाते में 0। इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश की 255 सीटों के बारे में बात करें, एसपी सरकार को यहाँ पर 145 मिल रही, तो यहाँ पर बीजेपी को 79, बीएसपी को 18, तो कांग्रेस को 15 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर रायबरेली की हम 6 सीटों के बारे में बात करें, 6 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 4 सीटें मिली, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 0, तो बीएसपी को 0, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिली, तो अदर खाते में 0। और पीपली बूथ की 4 सीटों के बारे में बात करें, 4 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 3, तो बीजेपी को 1, बीएसपी और कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। वहीं पर हम बस्ती की 5 सीटों के बारे में बात करें, 5 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 4 सीटें मिली, तो बीजेपी को 1, बीएसपी और कांग्रेस और अदर खाते में यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 270 सीटों के बारे में बात करें, एसपी सरकार को यहाँ पर 143 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 81, बीएसपी को 18, तो कांग्रेस को 17 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो एमएटी की 4 सीटों में यहाँ पर एसपी सरकार को 3 सीटें मिली, तो बीजेपी को यहाँ पर 0, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0। यही पर दोस्तों बिल्ली के हम 7 सीटों के बारे में बात कर ले, 7 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 5, तो बीजेपी को 1, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम कुशीनगर की 7 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 5, तो बीजेपी को 1, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। वही दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की 293 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 168 सीटें मिल रही, तो बीजेपी को 85, बीएसपी को 21, तो कांग्रेस को 18 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो कानपुर नगर की 10 सीटों के बारे में बात करें, 10 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 8 सीटें मिल रही, तो बीजेपी को 1, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0। प्रयागराज की हम 12 सीटों के बारे में बात करें, 12 में से एसपी सरकार को 11, तो बीजेपी को 1, बीएसपी को
को एक, तो कांग्रेस को जीरो और अदर खाते में जीरो। इसी के साथ हम लखनऊ की 9 सीटों के बारे में बात करें। 9 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 6 सीटें मिलती, बीजेपी और बीएसपी कांग्रेस और अदर खाते में एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश की 333 सीटों के बारे में बात करें। 333 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 199, तो बीजेपी को 90, बीएसपी को 23, तो कांग्रेस को 20 और अदर खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो बाराबंकी की 6 सीटों में से एसपी सरकार को यहाँ पर 4, तो बीजेपी को यहाँ पर 2, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसके साथ हम एटा की 4 सीटों के बारे में बात करें। 4 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 2, तो बीजेपी को 2, वहीं बीएसपी कांग्रेस और अदर खाते में 0। इसी के साथ हम घोड़ा की 7 सीटों के बारे में बात करें। 7 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 5, तो बीजेपी को 1, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसके साथ हम उत्तर प्रदेश की 355 सीटों के बारे में बात करें। यहाँ पर एसपी सरकार को 214, बीजेपी को 56, बीएसपी को 24, कांग्रेस को 20 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों हम इसके साथ अगले जिले के बारे में बात कर ले तो प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 5, तो बीजेपी को 2, बीएसपी और कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसके साथ बांदा की 4 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 1, बीजेपी को 3, बीएसपी और कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसके साथ हापुड़ा की 3 सीटों के बारे में बात करें। 3 में से यहाँ पर एसपी को 2, तो बीजेपी को 1, बीएसपी और कांग्रेस और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ हम उत्तर प्रदेश की 369 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एसपी सरकार को 222, तो बीजेपी को यहाँ पर 102, बीएसपी को 24, तो कांग्रेस को 20, तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो सोनभद्र की 4 सीटों में से यहाँ पर एसपी सरकार को 3 सीटें मिली, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 1, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसके साथ कौशाम्बी की 3 सीटों के बारे में बात करें। 3 में से यहाँ पर एसपी सरकार को 2, तो मिल रही, तो बीजेपी को 1, यहाँ पर बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसके साथ हम रामपुर की 5 सीटों में से यहाँ पर 5 की 5 सीटें एसपी सरकार खत्म जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस खाते में 0। इसके साथ हम उत्तर प्रदेश की 381 सीटों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एसपी सरकार को 232 सीटें मिली, तो बीजेपी को यहाँ पर 104, बीएसपी को 24, तो कांग्रेस को 20 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसके साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो गोरखपुर की 9 सीटों के बारे में बात करें। 9 की 9 सीटें एसपी सरकार खत्म जाती हुई दिखाई दे रही, यहाँ पर बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी खाते में 0। इसी के साथ हम वाराणसी की 8 सीटों के बारे में बात करें। 8 की 8 सीटें यहाँ पर भी एसपी खत्म जाती हुई दिखाई दे रही, यहाँ पर बाकी पार्टी खत्म 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में यहाँ पर एसपी को 3, तो बीएसपी को 0 और बीजेपी को 2, तो कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0। इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के बारे में बात करें। एसपी सरकार को 252 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 106 सीटें मिल रही, तो बीएसपी को 24, तो कांग्रेस को यहाँ पर 20 और अदर खाते में 0। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज विधानसभा चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं एसपी सरकार यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है 252 सीटों के साथ। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कर, ताकि उनको पता चल सके किसकी बनने जा रही सरकार। मिलता है अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।